डायरेक्टर ग्रीन गैस और डायरेक्टर फाइनेंस गेल इंडिया लिमिटेड से बोल रहा हूँ। पेंडेमिक के बाद अभी जो नॉर्मल सिचुएशन हो रही है, इसमें ग्रीन गैस के पास बड़े इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया हैं जहाँ पर सीएनजी और पीएनजी कनेक्शंस होने जा रहे हैं और हो रहे हैं, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर और उन्नाव। तो यहाँ की विजिट का पर्पज़ है कि लोगों को मोटिवेट करना और साथ साथ हमें प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का रिव्यू करना, जिससे कि ये नॉर्मल सिचुएशन आ जाए। मैं कल से और आज तक रिव्यू किया हूँ और बड़ा संतोषजनक परिणाम है कि हमारे सारे जीएस में कार्य जो है बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम इसका पूरा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सारी जगह की मटेरियल या कॉन्ट्रैक्टर सब लाइनअप हो चुके हैं और हमारे इम्प्लाई जो है सारे जगह जाकर सीएनजी और पीएनजी कनेक्शंस कर रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में जो कि एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और जहां पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो रही है, वहां पर भी हम सीएनजी स्टेशन जल्दी ही खोलेंगे और इनॉग्रेट करेंगे। इसके साथ साथ हमारी टीम ने वहाँ पर पीएनजी कनेक्शंस के लिए भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं, जिससे घरों पे भी वहाँ अयोध्या में हम कनेक्शन कर पाए। हम एक सीएनजी स्टेशन देख रहे हैं जो कि रामलला मंदिर के आसपास हो, ऐसी जगहों पे हम उसको कर रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमारी एम्प्लाई जो कि कोविड की वजह से थोड़े उसमें थे, डिप्रेशन में थे, कैसे काम किया जाए, लेकिन बात करने के बाद काफ़ी वो उत्साह में हैं और पूरी नॉर्मल रूप में काम करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। तो ये पर्पस था। सर, लखनऊ से अयोध्या के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। हाँ, मान लीजिए किसी ने लखनऊ में गैस डलवाई और रास्ते में उसको ज़रूरत पड़ती है, अयोध्या जा रहा है, हाँ, तो रास्ते की क्या व्यवस्था रहेगी? रास्ते में भी सीएनजी स्टेशन डलेंगे। ऐसा नहीं है, अब होगा अयोध्या में लखनऊ से जाने वाले आदमी को अयोध्या के बाद रिटर्न पे गैस नहीं मिलती है कहीं भी। नहीं होगा, अभी तो है ही नहीं स्टेशन, अब उसको हम डालेंगे। कितने सीएनजी के स्टेशन आप लोग रखेंगे अयोध्या में? अभी इस साल तो हम दो करेंगे, इसके बाद बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ये दो कहाँ पे होंगे? वो अभी लोकेशन बताया कि अयोध्या मंदिर, हाँ, उसके आसपास एक करेंगे और एक होगा आपके सोहावल के पास होगा, मार्च तक आ जाएंगे। एक तो हम नवंबर दिसंबर में ही करने जा रहे हैं, ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ सर, ऐसा देखा गया है कि भारत जो है एनर्जी डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज पे, तो हम लोग कब तक रिलायबल हो पाएंगे? ऐसा कुछ मिशनरी प्रोजेक्ट आप लोग के द्वारा कुछ किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज में, वहाँ कोई इंडियंस होता है तो डायरेक्ट इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है भारत की, ये आप समझ सकते होंगे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा मिशनरी प्रोजेक्ट ऐसा कि जिससे हम लोग रिलायबल हो सकें एनर्जी कंजम्पशन को लेकर? देखिए, ये विजनरी तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, काफ़ी एग्रेसिव प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं। पहली बात तो जो एक कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा रहा है, जो कि आपकी खाद्यान्न की जो होती है उसकी जो उससे हम गैस बना रहे हैं, इस पर काफ़ी एग्रेसिव काम चल रहा है, जिसको हम कि नेचुरल गैस में मिक्स कर देंगे। तो वो एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा हम रिन्यूएबल पर काफ़ी काम कर रहे हैं, सोलर पर काफ़ी काम कर रहे हैं और आपके विंड पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर है, काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसमें, जिससे कि हमारी तेल की खपत और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस वो कम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा एग्रेसिव प्लान है और इस पर काफ़ी काम चल रहा है। सर, अयोध्या में कितना इन्वेस्टमेंट होगा आपकी तरफ से प्रोजेक्ट्स को लेकर, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अयोध्या में? अयोध्या में हमारा समझ लीजिए पीएनजी सीएनजी मिला के आगे आने 500 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाँच सालों में। तो ये उसमें अभी जो देखा गया है कि भाई पाइपलाइन के साथ में वो पैरेलल में आपका केबल जाता है, ठीक है ना? यदि केबल यदि बर्स्ट हो गया है, केबल का स्पार्क के कारण में जो कि हमारा पी पाइप होती है, तो भाई यहाँ पे जो भी आप अपना सिलेंडर होती है, अपना पर्सनल गाड़ी होती है,
वहाँ पे भरने के बाद में चेक होती है, उसके बाद बाहर जाता है। और सीएनजी के कारण में कभी भी फायर नहीं है इंधन गाड़ी में, इसलिए वो